मैम हल्की आ रही है आवाज। क्या बोलना है? मेल ओपन कर फायरफॉक्स को ये तीनों कार्ड हैं ये आपके नहीं। ये भी कार्ड ये फायरफॉक्स को दोबारा यहाँ पे टाइप करें एम आ रहा है। ठीक है ठीक पार्सल शो कर लाहौर वाला है। ठीक है तो शो करके देखेंगे। फोर 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 टू वाला लगा है वो नहीं वो शो कर नहीं रहा हूँ। जीरो फोर टू है लाहौर जीरो फोर टू हेलो
इसके अंदर जो ईमेल है जीमेल 200 वाला उसका कौन सी ये डिग्री आ गया आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। और स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। नो मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर अब हो रही? नो मैम। नहीं मैम। यस मैम। अच्छा पहले पिछले नफा में जीएस पेशेंट्स की ड्रग्स की थी, उसके अलावा हम लोगों ने जो था लेग्जेटिव्स पढ़े थे, कुछ याद है उसमें से? यस मैम। अच्छा अगर आपने जी एस क्रिशंस की जो ड्रग्स थी उसके लिए ये कर सकते हैं कि टेबल एक पेज लें, उस पर पूरा एक बड़ा टेबल बनाएं जिसमें जी एस क्रिशंस की सारी ड्रग्स लिखें और उसके अंदर जैसे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स से हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स था उसको आप लिखते जाएं और साथ ना उनके मोड ऑफ एक्शन एक खाना बनाने मोड ऑफ एक्शन का फिर उसके बाद उनका सबका कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंडिकेशंस थेरेप्यूटिक यूज यानी कहाँ कहाँ उनको यूज करना है और उसके अलावा उनका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है वो कहाँ नहीं यूज करना उसके हर ड्रग को ताकि एक शीट पर सारा लिखे ताकि एक ड्रग को दूसरी ड्रग से कंपेयर करें क्योंकि सबका जो थेरेप्यूटिक यूजेस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। ठीक है
मेमोराइज करने के लिए, याद रखने के लिए. मैम ये अभी या वैसे आप कह रही हैं? ये आप ऐसा करें कि छुट्टियों के बाद अपने समझने के लिए ऐसा बनाएं कि समझ जाए. और हर ड्रग कॉलम में हर ड्रग लिखे, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस, उसके साइड इफेक्ट्स, ठीक है. फिर दूसरी ड्रग लिखे ताकि एक ड्रग और दूसरे कॉलम में जो दूसरी ड्रग होगी उसको कंपेयर कर लें. तो उसके बाद असाइनमेंट टाइप है ये, आप ना फिर सबमिट करवाइएगा. ओके मैम. फिर मुझे लगता है स्लाइड्स में से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर आप खुद लिख कर इस तरह टेबल्स बना लो हर चीज के तो शायद जल्दी याद हो जाए. अच्छा जो एग्जेक्टिव्स जो काम करेंगे ना, जो एग्जेक्टिव्स क्या करते हैं, आपकी बॉवल मूवमेंट जो होती है उनको ज्यादा करते हैं, ठीक है. तो कॉन्स्टिपेशन होंगे तो एग्जेक्टिव्स हम यूज करते हैं, ठीक है. इसका बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि डिपेंडेंसी हो जाती है, बार बार वही यूज करते रहते हैं. और जो एंटी डायरिया ड्रग्स होंगे वो इसके ऑपोजिट काम करेंगे, यानी डायरिया हो रहा है और उस डायरिया को रोक रही एंटी डायरिया ड्रग्स, ठीक है. द एंटी डायरिया ड्रग्स, दीज आर द एजेंट्स यूज्ड टू काम द इरिटेशन ऑफ द जीआईटी फॉर द सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ डायरिया. डायरिया का रिलीफ के लिए जो है ये यूज की जाती है. जनरल क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी ड्रग्स आ जाती है. Clinical indications of drug use, relief of symptoms of acute and chronic diarrhea, diarrhea ko relief karne ke liye use ho rahi, reduction of fecal volume discharge from the ileostomies, jo volume frequently jo discharge ho raha tha bar bar wo rokne ki reduction karegi. Baaz baat ye hota hai ki hamare jo ileum hoti hai jo small intestine mein वो सही तरह फंक्शनल नहीं रहती, तो उसके लिए सर्जिकली परमानेंटली या टेम्परेरी एक वहां पर होल बना दिया जाता है, इसे ही इलियोस्टोमीज कहते हैं. उस अगर डायरिया है तो उसमें से ज्यादा जल्दी रिडक्शन, उसमें से ज्यादा फीकल फीकल वॉल्यूम डिस्चार्ज होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा. तो ये जो ड्रग्स हैं एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, इसको रोकने की कोशिश करती हैं, कम करती हैं. बेसिकली क्या कर रही है, जो मोटाइल बॉवल मूवमेंट्स है उनको रोक रही है, जो मसल पैरास्टाल्जिक मूवमेंट्स है उनको कम कर रही है. प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया. ट्रेवलर्स डायरिया में बहुत बहुत ज्यादा जो होता है जल्दी फीकल रूट डिस्चार्ज होता है, पास आउट हो जाता है बहुत ज्यादा वॉल्यूम. ये बैक्टीरिया काज करता है, इकोलाई बैक्टीरिया, शायद आपने पढ़ा हो, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है कुछ? Yes, ma'am. Ma'am, आप yes. अभी पढ़ी नहीं है. अच्छा, उसके अंदर जो ट्रेवलर्स डायरिया जो इकोलाई कॉज करता है उसको भी ये कोशिश करता है कि कम करे. एंटी डायरिया ड्रग्स का बेसिक मैकेनिज्म क्या है कि वो डायरिया को रोक रही है. कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटी डायरिया ड्रग, पॉइजनिंग, ड्रग एलर्जी, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस, इनमें डायरिया नहीं, एंटी डायरिया ड्रग्स नहीं देते. इसके साइड इफेक्ट्स ये कि एंटी डायरियल ड्रग से डायरिया रोकेगी तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन करे, नोजिया वॉमिटिंग करे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन डिस्कम्फर्ट करे, टॉक्सिक मेगाकोलोन, तो कोलोन एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसकी डायलेशन करते हैं जिसकी वजह से फीवर हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन डिस्कम्फर्ट उसकी वजह से हो जाती है. अच्छा, अब अगर डायरिया हो रहा है तो उसके अंदर वाटर फ्लूइड्स सब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो पास आउट हो रहा है, तो उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स यूज करते हैं. नमक में पानी डाल के देते हैं, ये होम रेमेडीज होती है कि नमक में पानी डाल के दे दें, शुगर डाल के दे दें ताकि पानी उसका मेंटेन रहे, बॉडी का पानी ना खत्म हो जाए. तो इसके लिए जो है ओरल ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ओरासोल देते हैं. ओरासोल जो है प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन, जब कभी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो, रिंकल्स आ जाए स्किन के ऊपर, तो उस पर फौरन ये दे देने चाहिए. इसके अंदर क्या है, इसकी कंपोजिशन कंटेन सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ग्लूकोज एंड सिट्रेट, ये सारे इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एड्सॉर्बेंट्स जो है ये भी डायरिया
के लिए डायरिया में यूज करते हैं, ये भी एक्ट करते हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स हैं। एडसॉर्बेंट्स जो है ये अपने अंदर जो टॉक्सिन जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है उसको अपने साथ स्टिक कर लेते हैं और फिर उसको फीसिस के थ्रू पास आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन इसमें केवलिन पेक्टिन मिक्सचर है, बाकी इसके अंदर ये सारी वही दिए हुए पॉलीकार्बो फाइल दिए हुए एटाक्लोगाइट दिए हुए, ये और एडसॉर्बेंट्स क्या करते हैं बेसिकली जो मसल्स होते हैं इंटेस्टाइनल मसल्स उनकी वो पैरास्टाइटिक मूवमेंट ज्यादा हुई होती है, बॉवल मूवमेंट ज्यादा होती है डायरिया के अंदर, तो जो उसके मसल्स होते हैं लॉन्गिट्यूशनल और सर्कुलर मसल्स उनको जो उनको थोड़ा सा उनकी मोशन को कम करते हैं ताकि डायरिया रुके। अच्छा ओपियोइड्स जो है ये भी यूज करते हैं एंटी मोर्टेलिटी के लिए, ओपियोइड्स बेसिकली पेन किलर्स में यूज होते हैं, लेकिन ओपियोइड्स जो है इसमें डायफिनो ऑक्सालेट और इसके साथ एट्रोफिन इसका कम्बिनेशन दोनों देते हैं फॉर इसको डायरिया को रोकने के लिए मोर्टेलिटी को रोकने के लिए। इसके अलावा सबसे कॉमन इसमें जो है वो लोप्रामाइड है ये देते हैं और दूसरा इनके ये सारी एग्जाम्पल्स दी हुई है इसकी। और इंक्रीज जीआईटी कॉन्ट्रैक्शंस जो जीआईटी में बॉबल मूवमेंट्स होती है उनको मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करके रोकती है, बट नॉन प्रोपल्सिव एंड दे क्लोज द स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर्स को अपने टाइम पर क्लोज करती है। इसके अलावा एंटी स्क्रीटरी एस्ट्रिंजेंट्स हैं, एंटी स्क्रीटरी भी कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स भी कहते हैं, बिस्मिथ सैलिसिलेट इस एग्जाम्पल है, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रेवलर्स डायरिया, और ये ट्रेवलर्स डायरिया में ये भी दे रहे हैं, ये क्या कर रही है जो सीक्रेशंस बहुत ज्यादा हो रही है उनको कम कर रही है। लोकल एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ द सैलिसिलेट, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ बिस्मिथ। ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें बताया हुआ है लोकल इफेक्ट, लोकल एंटी मोर्टेलिटी और सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स। इसमें बिस्मिथ सबसेलिसेट है जो लोकल इफेक्ट दिखाएगा, लोकली कोट करेगा द लाइनिंग ऑफ द जीआईटी टू सूथ इरिटेशन दैट मे स्टिमुलेट द रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स बार बार हो रहा था उसको सुधर करेगी रोकेगा। लोकल एंटी मोर्टेलिटी लोप्रामाइड डायरेक्टली इनहिबिट्स द इंटेस्टाइनल मसल्स एक्टिविटी टू स्लो पेरास्टाइसिस, मसल्स जो थे इंटेस्टाइन के वो क्या करते हैं पेरास्टाइटिक मूवमेंट्स कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा 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 फ्रीक्वेंटली स्टूल पास हो रहा था, फीसिस जो थी वो पास हो रही थी, तो अब ये क्या करेगा कि उसकी जो लोप्रामाइड है मसल की मूवमेंट्स को रोकेगा, कम कर देगा, स्लो कर देगा। ओपियम डेरिवेटिव्स क्या करेंगे स्टॉप जीआईटी स्पैज़म बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो नर्व्स आएंगी वो जीआईटी स्पैज़म कर देंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर देंगी वहां पर और डायरिया को स्टॉप करेंगी। ये एंटी डायरियल ड्रग्स हैं, कुछ समझ आई इनकी? यस मैम, बस थोड़ी बहुत आएगी मैम, याद करने पे आएगी बाकी। इंटेस्टाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन उसकी स्पैज़म कर रहे हैं ताकि वो कंस्ट्रिक्ट कर जाए और डायरिया जो है वो रुक जाए, बावल मूवमेंट्स को कम कर रहे हैं, लैक्सेटिव्स उसका ऑपोजिट कर रहे थे, वो आपके बावल मूवमेंट्स को इंक्रीज कर रहे थे ताकि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो। ठीक है, अब आ जाती है इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स ड्रग्स, ये इसका लास्ट टॉपिक है। इमेटिक स्ट्रग्स होंगी जो कि वॉमिट करवाएंगी और एंटी इमेटिक स्ट्रग्स होंगी जो वॉमिटिंग को रोकेंगी। इमेटिक ड्रग्स जो होंगी वो कब देंगे कि जब कोई ड्रग बहुत ज्यादा हाई डोज में ली गई है, तो इमेटिक ताकि वॉमिट कर दे पेशेंट फौरन निकाल दे, और दूसरा अगर कोई टॉक्सिक चीज ले ली है तो उसकी वजह से भी इमेटिक ड्रग्स देते हैं। इमेटिक एजेंट्स में ईपैक IPCAT ये एक ड्रग है जो यूज की जाती है। एंटी इमेटिक्स इसका जनरल क्लासिफिकेशन होती है, इसमें फिनोथाइजिन्स, नॉन फिनोथाइजिन्स, एंटी कोलिनर्जिक्स, एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देते हैं, उसके अलावा मिसलेनियस ड्रग्स होती है इसमें। सीरोटोनिन रिसेप्टर्स
और डोपामीन रिसेप्टर्स, ये इन्वॉल्व होते हैं वॉमिटिंग में. वॉमिटिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पर नर्व्स जाती हैं, वॉमिट होते हैं. तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स उनको ब्लॉक कर देंगी वॉमिटिंग सेंटर्स को, ताकि वो काम ना कर करें. इसमें आईपी कैक्स सीरप है जो इमेटेड ड्रग्स के लिए यूज हो रहा है, यानी वॉमिट करवाएगा. आईपी कैक्स सीरप इरिटेट्स द जीआई म्यूकोसा locally resulting to stimulate the vomiting center. It acts within 20 minutes. Within 20 minutes, foreign will vomit करवा देगा. तो ये क्या irritate करेगा mucosa को, GIT को, कि वो vomit करे, उसको stimulate करेगा vomiting centers को. Clinical use इसका ये to induce vomiting as a treatment for drug overdose and certain poisoning. कोई drug अगर overdose ले ली है या कोई poison ले ली है तो उसको foreign वॉमिट करवाएगा. कॉन्ट्राइंडिकेशन, अच्छा आप जहां नहीं देना, कोरोसिव केमिकल्स अगर ले लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लिए, किसी पेशेंट आया उसने उसने कोरोसिव मटेरियल को इंजेस्ट कर लिया है, या अनकॉन्शियस है पेशेंट और कन्वर्जन्स है, तो ऐसे कोरोसिव मटेरियल अगर उसने इंजेस्ट कर लिया है तो उसको ये नहीं देंगे. मजा उसकी कैर को बता सकता है. Yes, ma'am. Corrosion materials या petrol पी लिया जैसे patient ने, तो हम उसमें emetic drugs नहीं देते कि वो foreign vomit करते. उसकी वजह ये होती है कि petroleum products या corrosive कोई भी material हो, वो burn corrosion कर देते हैं जब आप जब वो GIT के through जाते हैं GIT में. अब जब हम emetic drugs देंगे तो वॉमिट करेगा, तो वो रिवर्स दोबारा री एक्सपोजर होगा जीआईटी के अंदर उन्हीं जो चीज उसने खाई थी. तो अब क्या होगा, मजीद उसको जीआईटी को वो डैमेज करेगा, वहां पर परफोरेशन होल बन सकते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है. इसलिए इमेटिक्स जो है ना, इसको कोरोसिव केमिकल्स के, अगर किसी ने कोरोसिव मटीरियल को पी लिया है, तो पेट्रोलियम वगैरह पी लिया, पेट्रोल वगैरह, तो उसमें नहीं देते. समझ आ रही है? यस मैम. Yes, ma'am. Unconscious, जाहिर है वॉमिट करेगा तो कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक वगैरह पड़े उसमें जाने का खतरा है. तो अनकॉन्शियस को ना कोई चीज, अक्सर जब अनकॉन्शियस हो तो उसको भी वो दूध वगैरह पिला देते हैं, वो ठीक हो जाए, हालांकि वो पीछे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं. इसे अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं देना चाहिए कोई चीज. साइड इफेक्ट्स आईपी कैक, नोजिया, डायरिया, जीआई अपसेट, माइंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिप्रेशन करेगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी इफ लार्ज अमाउंट्स आर अब्सॉर्ब इन द बॉडी. ये इसके सारे साइड इफेक्ट्स हैं. एंटी इमेटिक्स, दे आर एजेंट्स यूज टू मैनेज नोजिया एंड वॉमिटिंग. दे एक्ट आइदर लोकली और सेंट्रली. इसमें फिनोथाइजिंस, नॉन फिनोथाइजिंस, उनकी साथ साथ एग्जांपल्स दी हैं. एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन्स, इसमें मेटलाजीन, फिर उसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें सेट्रॉन दी हुई एग्जांपल इसकी, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी. उसके अलावा मिसलिनियस ड्रग्स हैं. मैम ये सब टाइप्स करनी है इनमें? मुझे नहीं लगता कि अगर वाइबा होता है तो ये होता है कि मेजर चीजें पूछी जाती हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बहुत वो पूछी जाए. इसमें जैसे फिनोथायरेज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसकी सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दिए जाते हैं. इनकी एक एक अगर आप एग्जांपल करें तो मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि जितना जब तक जितना ये क्लिनिकल यूज करेंगे उतने नाम ज्यादा याद रहते हैं. और वाइवा कुछ ऐसा, आप लोगों का वाइवा आइडिया तो होगा, आपने बेसिस का दिया है कुछ? यस मैम. मेरे ख्याल में तो वाइवा में काफी मार्जिन होता है, क्वेश्चंस करते हैं और बहुत ही मेजर क्वेश्चन ना आ रहा हो तो फिर होता है कि बंदा उसमें नंबर ना दे, फेल कर दे, वरना वाइवा में तो काफी मार्जिन होता है. अगर एक क्वेश्चन चलो स्किप हो गया दूसरा आ जाएगा. बाद स्टूडेंट को आ भी रहा होता है, वो नहीं बता पाता उस वक्त. तो इसमें मेजर मेजर चीजें याद कर ले. और वैसे अभी वो आप लोग की डॉक्टर खुरम है फार्माकोलॉजी के, मुझे बताया था. यस मैम. जी मैम.
मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी मैम आपको आइडिया तो है ना जो वाइवा होता है आपको किस तरह होता है? यस मैम फार्मा वन में पढ़ी है तो आइडिया है उस चीज का मैम। यस मैम मेजर मेजर से वाइवा होता है मतलब के फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनामिक्स और उसकी मेजर मेजर एग्जांपल्स होती हैं किसी भी मेडिसिन जैसे मैम ये टेबल्स है इसमें इतनी ज्यादा टाइप्स हैं लेकिन लेकिन ये सर मैं ना पूरे पूरे चैप्टर्स को कवर कर रही हूँ स्लाइड्स तो इसमें शायद थोड़ा सा इसमें कंटेंट ज्यादा है तो क्योंकि दो तीन दफा अच्छी तरह रीड आउट कर लें तो ये काफी हो कि कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगा दिमाग में। अब जैसे फिनोथायरिजिन्स हैं अब देखिए जितनी भी एंटी इमेटिक ड्रग्स है ना वो सारे क्लिनिकल यूजेस उनके क्या कि नोजिया वॉमिटिंग में देंगे वॉमिट करवाएंगी तो नोजिया वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उनको रोकेंगी है ठीक है अगर वॉमिटिंग हो रही है एंटी इमेटिक ड्रग्स उनको वॉमिटिंग रोकेंगी तो नोजिया वॉमिटिंग में तो देंगी दे एसोसिएटेड विद एनेस्थीसिया इंट्रा इंट्रैक्टेबल यानी अनकंट्रोल्ड हिकअप्स बहुत ज्यादा लगे हुए उसमें दे देंगे। फिर नॉन फिनोथायरिजिन्स का भी वही है कि किसी केमिकल स्टिमुलेशन के लिए अगर नोजिया वॉमिटिंग हो रही है किसी केमिकल स्टिमुलेंट की वजह से तो उसके लिए दे देंगे। एंटीकोलिनर्जिक्स मोशन सिकनेस में दे देते हैं इस तरह कीमोथेरेपी में दे देते हैं सारे इनके ऑलमोस्ट सेम है जो जो कॉजेज है वॉमिटिंग के उसको बस रोकना है चाहे वो कीमोथेरेपी हो चाहे वो आपका कोई मोशन सिकनेस हो मॉर्निंग सिकनेस मोशन सिकनेस वो सब इसे इन्हीं वॉमिटिंग एंटी हेमेटिक ड्रग्स से रोका जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटिव सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन में नहीं देंगे एंटीमेटिक ड्रग्स उसके अलावा सीवियर लिवर डिसफंक्शन क्योंकि सारी इसमें बहुत सारी ड्रग्स आ जाती है सबका मेटाबॉलिज्म लिवर होता है तो अगर किसी को सीवियर लिवर डिसफंक्शन हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन को एंटीमेटिक ड्रग्स क्या करती वॉमिटिंग को रोक रही थी तो वॉमिटिंग सेरोटोनिन जी वॉमिटिंग सेंटर्स को डिप्रेस्ड कर रही थी ब्लॉक कर रही थी तो अगर सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन है तो उसमें फिर एंटीमेटिक ड्रग्स नहीं देंगे। ये आखिरी स्लाइड है इसकी कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है फोटो सेंसिटिविटी होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबके ड्रोजीनेस डिजीनेस वीकनेस ट्रेमर्स डिहाइड्रेशन उसके अलावा फिनोथायरिजिन्स ऑटोनॉमिक इफेक्ट लाइक ड्राई माउथ कर देगा नेजल कंजेशन यूरिनरी रिटेंशन। अभी तक कोई चीज जो ना समझ आई हो कोई समझ आ रही है मैम बस एलैबोरेट करेगा जो जो पढ़ा है क्योंकि यह खत्म हो गई यहाँ पर स्लाइड्स। अब आगे जो yes, है कोई थोड़ा सा बताए कि शुरू से हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंदर मैम एमेटिक्स की है उससे पहले से चलिए मैटिक्स और एंटी मैटिक्स बताते हैं मैम आपने बताया एमेटिक्स ये होते हैं जिसमें हम लोग वोमिटिंग के लिए वोमिटिंग इंड्यूस करते हैं और एंटी एमेटिक वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए दी जाती है और एंटी एमेटिक्स में आपने बताया कि हम लोग के सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं और उसके अलावा इसमें फिनोथायरिजिन्स होते हैं जो एमेटिक होते हैं उसमें सीरप बताए हैं आपने और उसके फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स बताई हैं आपने और क्लिनिकल यूज में बताया कि वोमिटिंग जैसे आपने बताया कि इसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है ताकि कोई ड्रग का ओवरडोज हो गया या पॉइजनिंग वगैरह पॉइजन को रिमूव करने के लिए भी मैम और कंट्रा इंडिकेशंस में भी आपने बताए थे जैसे पेट्रोलियम कोरोसिव जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए और इसमें साइड इफेक्ट्स आपने ज्यादा बताए थे जैसे नोजिया डायरिया वगैरह हो जाएगा और सीएनएस डिप्रेशन वगैरह और एंटी डायरियल ड्रग्स में क्या-क्या था एंटी एमेटिक्स में जो है वो अपने मतलब के मैनेज करते हैं नोजिया वोमिटिंग वगैरह को और एक्ट करते हैं लोकली सेंट्रली डायरियल ड्रग्स कौन से थे एंटी डायरियल ड्रग्स एंटी डायरियल मैम जैसे यस मैम एंटी डायरियल ड्रग्स जो है ना वो जीआई स्फिंक्टर की क्लोजिंग करते हैं उसकी प्रोपल्शन को रोकते हैं उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं डायरिया रिलीफ करते हैं डायरिया रिलीफ करने के लिए मेनली
उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, इसमें ओपॉइड्स भी हैं, एंटी सिक्रेटरीज भी हैं और कोलेंट्स भी हैं। ये फीकल वॉल्यूम को भी रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस बॉल वॉल्यूम करते हैं, बॉल मूवमेंट को, और डिहाइड्रेशन सॉल्ट हम देते हैं ताकि डिहाइड्रेशन से भी रोगी को पानी, डिहाइड्रेशन के लिए हम और सॉल्ट देते हैं। अच्छा, इसमें आखिर में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कैथार्टिक लेक्सेटिव्स? कैथार्टिक डिपेंडेंस एक लफ्ज आया था इसके अंदर, कैथार्टिक लेक्सेटिव्स का कुछ बता सकते हैं कोई? मैम ये कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए होते हैं शायद, सारे चीजें भी है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेक्सेटिव्स तो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेक्सेटिव बेसिकली ना हम जब स्टूल को हम मॉइस्चर कर रहे थे, जैसे हमने वाटर वहां पर अब्जॉर्ब कर रहा था ताकि मॉइस्चर स्टूल पास आउट हो जाए, ठीक है, रिटेन कर रहा था बेसिकली वाटर, रिटेन रख रहा था ताकि स्टूल के पैसेजेस आ रहे, ठीक है, या फिर स्टूल को बल्क कर देता है, बल्की फॉर्म में कर देता है, लेक्सेटिव जैसे मैंने कहा था कि अगर आप पानी डाल दें दूध के अंदर तो वो फूल जाती है, इस तरह स्टूल के अंदर वो वाटर टेंशन करेगा ताकि बल्की हो जाए, निकले, ठीक है। अब अगर लेक्सेटिव का हम माइंड टर्म यूज कर रहे हैं और कैथार्टिक होता है वो स्ट्रॉन्ग जो लेक्सेटिव टाइप होते हैं, कैथार्टिक ये होता है कि वो जो है ना आपकी जो इंटेस्टाइन्स उसमें से सारे सब चीजें रिमूव कर देगा इन द फॉर्म वाटरी फॉर्म के अंदर, यानी स्टूल फॉर्म हो गई, जो जो कंटेंट्स अंदर थे और जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन थी वहां निकल नहीं रहा था तो उस सब को रिमूव कर देगा, जबकि लेक्सेटिव जो है वो सिर्फ पैसेज ऑफ स्टूल को थोड़ा सा आसान कर रहा है, ईज कर रहा है कि स्टूल आसानी से जरा निकल जाए, ठीक है। यस मैम, मैम कैथार्टिक वो जो बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव्स होते हैं, कैथार्टिक होते हैं लेक्सेटिव्स होते हैं जो बल्कि स्टूल वगैरह पास आउट करते हैं, ठीक है, और या स्टूल को मॉइस्चर कर देते हैं, लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं जो कि आसानी से ताकि स्टूल का पैसेज आसान हो जाए, और कैथार्टिक होते हैं कि जब वो एवैक्यूएशन सारे जो जो कंटेंट्स होंगे इंटेस्टाइन के अंदर वाटर फ्रूट्स हर चीज को रिमूव कर देते हैं और उसमें वाटरी फॉर्म के अंदर ही वो रिमूव कर देते हैं। ये है लेक्सेटिव ही, लेकिन हम जरा स्ट्रॉन्ग उसके लिए यूज करते हैं जब स्ट्रॉन्ग वे में ज्यादा इसका यूजेज चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्गली हमें निकालने और सारे वैक्यूएट सब कुछ ही करना हो बॉडी में से, जब इंटेस्टाइन्स में से मटीरियल लेक्सेटिव से भी होते हैं कि वो स्टूल को पैसेज को ईज कर देते हैं, आसान कर देते हैं कि आसानी से स्टूल निकल जाए, आइदर उसके अंदर वाटर रिटेंशन करके उसको बल्की करके फाइबर्स वगैरह हम यूज करते हैं सेलुलोज फाइबर्स ताकि वाटर रिटेन हो। लेकिन जो कैथार्टिक होता है उसमें ये होता है कि वो एवैक्यूएट करते हैं, ये जो इनिमा वगैरह था कि वो एक डालते हैं नोजल से होता है वो अंदर डाल देते हैं बॉडी के तो सारे कुछ बाहर निकालते हैं उससे, वाटर वगैरह वाटरी फॉर्म में नॉन स्टूल फॉर्म में सब निकल जाता है, ये कैथार्टिक्स होते हैं। होते दोनों एफ और कॉन्स्टिपेशन यूज किया इन्होंने, बट इस कैथार्टिक लेक्सेटिव यूज किया हुआ है, लेकिन ये टर्म्स अलग भी यूज होते हैं। कैथार्टिक लेक्सेटिव कैथार्टिक बेसिकली क्लीन कर देता है आपके इंटेस्टाइन्स को बिल्कुल, इसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, अगर हमें कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट चाहिए तो कैथार्टिक यूज करते हैं। मैम आपने बताया था कि जो लोग लेक्सेटिव्स लेते हैं उनकी बॉडी को आदत हो जाती है उसकी, तो मैम जो लोग ले रहे होते हैं उनको फिर सारी जिंदगी लेना पड़ता है या इसका कोई रिवर्स प्रोसीजर होता है? सारी जिंदगी नहीं लेना पड़ता, खुद ही ये हो जाता है कि जी हमें लेक्सेटिव्स चाहिए, हमें जो ऐसे हमारा पेट ठीक रहता है तो ये उसकी डिपेंडेंसी वो समझने शुरू हो जाते हैं, लेकिन सारी जिंदगी उनको नहीं देना होता कि आप देते हैं, रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो खुद डिपेंडेंट हो जाता है उस पर, वो बस साइकोलॉजिकली हो जाता है कि जी ठीक है। जैसे कैस्टर ऑयल बहुत लोग पीते हैं दूध में डाल के पानी में डाल के और फिर उसको बहुत ज्यादा यूजेज शुरू कर देते हैं, ज्यादातर ये होम रेमेडीज में आते हैं जो आप टोटके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीजें। अच्छा अगला थोड़ा सा आपको बता दूं मैं? Yes, ma'am. Yes,
थोड़ा सा जो आगे है वो उसका है दिस राइट के लिए जो उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें बाकी उसमें थायराइड ग्लैंड अब एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स ये नजर आ रहा है आपको हमें पुरानी स्लाइड जी शो हो रही है मैम जी मैम पुराने और प्रोस्टाग्लैंडिंस थे और म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स थे और लैक्सेटिव्स बता दिए लैक्सेटिव्स चार थे ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स थे डाइट्री बल्की फॉर्म मैकेनिकल और लुब्रिकेंट्स वाले और ऑस्मोटिक्स एंटी डायरिया ड्रग्स भी डिस्कस होंगे उसके अलावा इमेटिक्स एंटी इमेटिक्स ड्रग्स ये सारे पढ़ लिए ठीक है इनको बहुत अच्छी तरह से इनके टेबल्स बना के इनको रख लें ये इन्हीं स्लाइड्स में से अगर पूछा जाता है आपसे पहले तो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा ठीक है अच्छा अब पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स thyroid and anti-thyroid drugs, adrenal drugs, pancreatic drugs, gonadal hormones and inhibitors. Endocrine system basically control hota hai, many body function ko control karta hai. Exert karta hai control by releasing special chemical substances into the blood called hormones. Hormones ke होता ये है कि जो अगर एक नर्वस स्टिमुलस आया आपको हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि भी यहाँ अब जो हमें हार्मोन रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस जो इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं ठीक है यह क्या करेगा हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटिंग फैक्टर अगर इसको मैसेज आया कि जी इनहिबिट करना है तो ये इनहिबिटरी फैक्टर इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा और अगर इसे कहें कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना है तो ये रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन को अपना जो है वो मैसेज को देखेगा कि अच्छा अब रिलीज करना है या इनहिबिट करना है तो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर देगा या इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज कर देगा अगर इनहिबिट करना है फिर ये रिलीजिंग फैक्टर जो है पिट्यूटरी तक जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेक्ट करेगा और जो हार्मोन उसे कहा कि वो मैसेज करेगा ऑर्गन को टिश्यू को ये प्रोड्यूस करे ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड को उसके अंदर से वो ग्लैंड के अंदर से वो हार्मोन रिलीज होगा और वो ब्लड में जाएगा ब्लड से वो टिश्यूज में जाएगा तो जो टारगेट टिश्यू होगा जहाँ पर उसे जाना है टारगेट करना है वो टारगेट टिश्यूज को रिस्पॉन्ड करेगा ठीक है तो बेसिकली मैसेज जो है वह हाइपोथैलेमस को आएगा उससे फिर जो है हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी में जाएगा पिट्यूटरी मैसेज करेगा टिश्यू जो ग्लैंड है उसको फिर प्रोड्यूस करेगा हार्मोन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर और ब्लड फिर हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गेन टारगेट टिश्यू पर जाएगा और अगर इनहिबिट फिर टारगेट टिश्यू डिसाइड करेगा कि उसको इनहिबिट करना है या मजीद एक्सक्रीट आउट करना है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू या तो वो ज्यादा फिर हाइपोथैलेमस को कहेगा मजीद रिलीज करे या फिर वो मैसेज कर देगा कि इनहिबिट कर दे तो
तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बाय रिलीजिंग द इनहिबिटरी हार्मोन्स मैसेज करेगा कि इनहिबिट करो इसको, तो वो फिर टिश्यू ग्लैंड जहां पर रिलीज हो रहा था हार्मोन उसको इनहिबिट का मैसेज करेगा, ग्लैंड जो है वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर देगा. The endocrine system controls many body function, exerts control by releasing special chemical substances into the blood called hormones. Hormones affect other endocrine glands or body systems. ये सारा mechanism है कि biological according to the biological need. अब recognition होगी उसकी क्या need है. हार्मोन सिंथेसाइज होगा, उसका स्टोरेज होगा और रिलीज होगा, वो फिर क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा जहाँ पर रिलीज होगा, फिर वो टारगेट सेल के अंदर जाएगा, या तो हार्मोन डिग्रेड हो जाएगा या फिर हार्मोन अफेक्ट करेगा लोकली उस टिश्यू के ऊपर, और जब अफेक्ट करेगा तो दोबारा से वो फिर या अगर मजीद टारगेट को वो हार्मोन चाहिए तो वो मैसेज करेगा हाइपोथैलेमस को फिर रिलीज करवाए, वरना फिर वो इनहिबिटरी सिग्नल दे देगा कि इनहिबिट कर दे. इस तरह ये पूरा मैकेनिज्म चलता है. सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरी के फीमेल्स के अंदर और टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स जो हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं. कोई क्वेश्चन अभी तक? नो मैम. नो मैम. बेसिकली हाइपोथैलेमस जिसे हम कहते हैं कि मास्टर ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी को मैसेज करेगा कि हार्मोन रिलीज करना है. फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो ग्लैंड होगा उसको कहेगा जो सीक्रेट करेगा, सीक्रेटरी सेल्स उन्हें कहेगा सीक्रेट करें, और फिर वो ब्लड के थ्रू जो है अपने टारगेट साइट पर चला जाएगा. A substance that is released in one tissue and travels through the circulation unit to the target tissue. ये हार्मोन है. Hormone reaches all parts of the body, but only the target cells are equipped to respond. Hormones are secreted in small amounts and often in bursts, pulsatile secretions. जैसे पल्स चलती है उसी तरह ये अपने रिलीज करता है हार्मोन जो होता है, टिश्यू हार्मोन को रिलीज करे. फंक्शन इससे क्या है कि इंटरनल होम्योस्टेसिस बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, उसके अलावा सपोर्ट करता है सेल ग्रोथ को, कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट वगैरह करता है, रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शन हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, फैसिलिटेट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स में और कैटाकोलामाइंस वगैरह में होते हैं. अच्छा, क्लासेस ऑफ हार्मोन्स जो है इनकी क्लासिफिकेशन है, कुछ जो है वो प्रोटीन टाइप्स हैं, कुछ की स्टीरॉइड्स है, कुछ एमाइंस है, थायराइड हार्मोन्स, कैटाकोलामाइंस, उसके अलावा इकोसेनॉइड्स हैं, फैटी एसिड्स डेरिवेटिव्स. ये जो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स वाले हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम थ्री अमाइनो एसिड्स टू हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड वाले. कुछ जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं जैसे एमाइंस है, एपिनेफ्रीन एंड पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स. एमाइंस और प्रोटीन हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल हैं, आर सीक्रेटेड बाय एक्सोसाइटोसिस, ट्रेवल फ्रीली इन द ब्लड स्ट्रीम एंड बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर. कुछ सेल के ऊपर कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स जो है सिर्फ मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्म के ऊपर होते हैं, कुछ न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं. तो जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो जब निकलेंगे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू तो वो ट्रेवल करेंगे ब्लड में और वो फिर जाकर जो टारगेट टिश्यू है उसके सेल में, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाते हैं. जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं उनमें थायराइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, वाइटामिन डी थ्री ये आ जाते हैं. ये डिफ्यूज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्रॉस कर देते हैं, ट्रेवल इन द ब्लड स्ट्रीम, बाउंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स. बेसिकली इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टारगेट सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें होते हैं. तो ये क्या डिफ्यूज कर जाते हैं सेल मेम्ब्रेन को. जैसे ये वाटर सॉल्युबल है हार्मोन्स और ये जो है फैट सॉल्युबल हार्मोन्स है. वाटर सॉल्युबल का सेल सरफेस रिसेप्टर जो है सरफेस के ऊपर ही लगा है सेल मेम्ब्रेन के, ये सरफेस रिसेप्टर्स हैं.
जबकि जो फैट सॉल्युबल है वो सिग्नल रिसेप्टर्स उसके साइटोप्लाज्म के अंदर है, सेल के कुछ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये जो इन्होंने दिखाई है इसमें फैट सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए टू मूव इनसाइड, और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर है। सेल सरफेस के ऊपर प्रोटीन्स के होंगे, साइटोप्लाज्म में स्टीरॉइड्स के होंगे, और न्यूक्लियस के यूजली जो है वो थायराइड हार्मोन्स एमाइंस जो होंगे वो इसके अंदर होंगे, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। मेरे ख्याल में बस यहीं तक कर दें, ठीक है? कोई क्वेश्चन जो यस मैम, ठीक है इसको जरा पढ़ लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। आप लोग के कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? मैम 8 सब्जेक्ट है सर। मैम 8 सब्जेक्ट, 9 कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फार्मा हो गया, उसके अलावा इस सेमेस्टर फार्मा 2 है, पैथो 2 है, इलेक्ट्रो 2 है, रेडियोलॉजी पैरा 2 है, बायोमैकेनिक नहीं एससीपी 2 है, मेडिसिन भी है, पेशेंट सेफ्टी है। तो ज्यादातर स्लाइड्स ही पूछते हैं जो आते हैं फाइबर वगैरह या थ्योरेटिकल। यस मैम मोस्टली स्लाइड्स स्लाइड्स ही होते हैं सब कुछ। आई विल अच्छी तरह से पढ़ ले स्लाइड्स को, कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट टाइम तो मुझे बताइएगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ तो फिर आसान हो, आसानी होती है, जमा नहीं होती चीजें। ओके मैम, ओके मैम। मैम ये LMS पे लेक्चर अपलोड है ये वाले? ये क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मैम मैं भेजिए बस। LMS पे भी हमारी एनरोलमेंट ही नहीं हुई फार्मा में, वहां पे नहीं हुई। हां क्योंकि ये मेरा पता है। यस मैम हमारी एनरोलमेंट करवा दें वहां पे, ताकि हम वहीं से लेक्चर ले लिया करें, वहीं पे आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं आज ही शेयर कर दूंगी जितना पढ़ा है वो आपके पास था ना। अब ये जो है ये अगर कहते हैं तो ये जितनी स्लाइड्स पढ़ा दी हैं और बस ये कर दूंगी इस लेक्चर की, दूसरे तो पिछला लेक्चर तो हो गया था ना आपको शेयर? यस मैम। जी मैम लास्ट लेक्चर क्लियर है। ठीक है मैम, वो पूछते हैं अगर एनरोलमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको यही दोबारा जो है ना मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। मैम ग्रुप का लेक्चर ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उसमें शेयर हुआ था? यस मैम। जी मैम उसमें शेयर है, दोनों लेक्चर शेयर है रिकॉर्डिंग भी, लेकिन मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं ना। एक दो बच्चे नहीं है उनको ऐड कर देंगे। एसएचएस के ग्रुप में आप ऐड हैं? आप मुझे अपना नाम बता देना, मैं आपको मेल का अपना नंबर कर देता हूं, या आप नंबर नोट कर लें जो एडमिन। हाँ मेक श्योर कर लें कि फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब एंड हो, क्योंकि फिर कोई रह ना जाए। लेकिन मैम जो रह गया मेल पे शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे ग्रुप। हाँ जो मैम की मेल आई है ना उसका रिप्लाई कर देना आप व्हाट्सएप ग्रुप का। नहीं तो रिप्लाई में सब नहीं है ना, ठीक है शेयर करते हैं सारी स्लाइड्स। यस मैम। मैम आप अभी चैट ओपन करें, जो एडमिन है वो इधर ही आपकी ड्यूरिंग लेक्चर ही वो दे देती है इधर चैट में लिंक व्हाट्सएप ग्रुप। चलो मैं पूछती हूँ, ठीक है? चलो थैंक यू। कोई क्वेश्चन इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी ना स्लाइड्स को, प्लीज जमा ना कीजिएगा तो आखिर में फिर आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं फिर नहीं होती, ठीक है? अभी शुरू में लग रहा होता है लाइंस हैं कुछ, लेकिन लाइंस याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम।